सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जी हाँ, आज मैं अपने देश भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस पर निबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उस देश की भाषा होती है। देश की एकता में उस देश की भाषा का एक अहम स्थान होता है। राष्ट्रभाषा देश का गौरव और शान होती है। हमारे देश भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। ये देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये देश के कोने कोने में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा देश की एकता का भी प्रतीक होती है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी विश्व को प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ साथ ये पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी करती है। हिंदी भाषा राष्ट्र भारतवर्ष का अभिमान है। हिंदी भाषा का प्रयोग गौरव का प्रतीक है। हमें हर भाषा सीखनी चाहिए, परंतु हिंदी भाषा का महत्व कम करके नहीं। आज लोग अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें और इसे आगे बढ़ाएं और उसका सम्मान करें। व्यक्तित्व का विकास अपनी ही भाषा के पठन पाठन से होता है। धन्यवाद।